उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 78 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद आज सैकड़ों समर्थकों के साथ अभ्यर्थियों का समर्थन करने मौके पर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चंद्रशेखर ने लोक भवन घेरने का भी ऐलान किया, लेकिन भारी पुलिस फोर्स ने बैरिगेटिंग लगाकर उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इसी बीच हमारे संवाददाता ने उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। लखनऊ में इस वक्त चंद्रशेखर रावण मौजूद हैं, यहाँ पर वो शिक्षकों के जो शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं। आप जब लखनऊ आते थे तो हर बार जो समीकरण है उसमें गर्मी बढ़ जाती थी, आज बरसात हो गई, क्या कहेंगे? आंदोलन चल रहा है और आंदोलन बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। और क्यों है ये सबको पता है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है 20,000 पदों पर, जिसपे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए था। सरकार ने अपने चहितों को बिठा दिया। मुझे उनसे नफरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1,00,000 और भर्ती निकाले, जितने उनके बैठते हैं उनको दे दें, लेकिन हमारे लोग हिस्सा अगर खाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। पहले से ही इतने लंबे समय से हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, आज जब मिलने लगे हैं तो ये चोर बाजारी हो रही है। पहले पेपर लीक कराते हैं, पेपर लीक के बाद अगर इनके बच्चे उसमें नहीं शामिल हो पाते तो फिर आरक्षण भर्ती में घोटाला करते हैं। तो हम परेशान हो गए, बैठे 78वां दिन है, मैं पहले भी 3 दिन यहाँ रह गया हूँ, भूखे प्यासे रह के आंदोलन चलाते हैं लोग यहाँ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति, क्योंकि 78 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं, किसी तरह से कोई चू नहीं उन लोगों ने कसा है अब तक, अब आगे क्या करेंगे? ये बनाते हैं सरकार जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये 75 जिलों के लोग हैं और बेसिकली दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 52 और 22, आप समझिए 74% लोग का ना प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ हैं, हर जिले से लोग यहाँ हैं। अब अगर सरकार ने आज हमारी मांग नहीं मानी तो जो यहाँ का संयुक्त शिक्षक अभ्यर्थी मोर्चा है वो जो दिशा निर्देश देगा, उन्होंने कहा कि 2 बजे तक का समय हमने सरकार को दिया है, उन्होंने कहा कूच करना तो कूच करेंगे, उन्होंने कहा विधानसभा जाना विधानसभा जाएंगे, वो कहेंगे राजभवन जाना राजभवन, वो कहेंगे मुख्यमंत्री आवास, तो ये तय करके आए कि आज खाली हाथ नहीं करेंगे। मुस्तैदी तो पूरी हर जगह, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो उस दिन भी कहा था कि दीवारें ऊंची करवा लो, ये नौजवान है, देखिए मैं वो जो पुलिस के लोग लगे ना वो भी सब हमारे में से ही, ठीक है। मैं संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ सरकार मान ले, घोटाला हुआ है पिछले वर्ग आयोग ने, जो एक संवैधानिक संस्था है सरकार द्वारा बना गई भाजपा द्वारा, उसको कठपुतली दवाई बनाया आपने, अगर वो आयोग बनाया तो उसके हिसाब से उनकी रिपोर्ट उन्होंने दी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर सरकार कहती है कि ईमानदार हैं तो मूल सूची जारी करके सारा खेल खत्म कर दें, मूल सूची पर कौन भर्ती हुआ सरनेम बता देंगे, ये धोखा नहीं चलेगा। आप दलित पिछड़े तैयार हो गए, इनके राष्ट्रवाद में दलित पिछड़े नहीं आते हैं, बस ये आज समझने की देर है। दलित पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ बारिश में भूखे इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके भाजपा का जो नकली दलित और पिछड़ा प्रेम है आज उसकी पोल खुल रही है। 78 दिन से बच्चे यहाँ बैठे हैं, लाठियाँ खाई हैं, पिटे हैं, कपड़े उनके फट गए हैं, तड़फे हैं, वो जान देने को तैयार है, परेशान रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब 78 दिन से जो हमारा अधिकार बैठता है वो हमें नहीं दे रहे हैं तो दूसरे क्या देंगे। तो ये इनका दलित और पिछड़ा प्रेम है नकली, और ये आज जग जाहिर हो रहा है। मैं जानता हूं कि 2 बजे तक सरकार नहीं करेगी तो जो लीडरशिप का आदेश आएगा, आज मैं वर्कर हूं, वो करेंगे, बाकी सरकार से धन्यवाद बात करने के लिए। तो 2 बजे तक का समय सरकार को दिया गया है और ये कहा है कि अगर 2 बजे तक कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आता है तो आगे की रणनीति जो है वो ये लोग तय करेंगे। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास या फिर विधानसभा का घेराव भी किया जा सकता है और तैयारी पूरी है। यहाँ का जो माहौल है, माहौल अगर मैं बताऊँ तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और उनसे ज्यादा यहाँ पर वो शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने 78 दिन से अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखा हुआ है और यहाँ पर वो सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी ये अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अश्विनी साथ, मैं नितिन, प्राइम टीवी।